और कुछ समय के लिए ही ये मिला हुआ है और तुम वादा विमुख हो रहे हो। परीक्षित को ज्ञान हुआ, पुनः उन्होंने शरीर भाव को छोड़ करके भगवान पर ध्यान लगाया और कथा जो है आगे प्रारंभ हुई। तो ये जो कथा का अमृत आप लोग पान कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से देखिए मन है यहां वहां भागता है, तो उस मन को भगवान पर लगाएं, बहुत ही ध्यान पूर्वक ये कथा सुने, और जितने ही ध्यान से आप भगवान की कथा सुनेंगे उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसी आशा अपेक्षा आप सभी से हम करते हैं। एक थोड़ी सी हम शुरुआत करते हैं खष्टम अध्याय की, 2 मिनट का समय आप कॉल लेते हुए स्वामी जी से निवेदन है। हाँ हाँ करिए महाराज आनंदम। तो नयस्य सख्यम पुरुषो वैत सख्यो सखा वसन संवत्स पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। तो इस शरीर में जीव और ईश्वर एक साथ परम मित्र की तरह रहते हैं, किंतु हे प्रभु यह जीव आपके सखा भाव को समझ नहीं पाता, क्योंकि जिस प्रकार गुण अपने स्रोत को, दृष्टि आंख को, गंध नाक को और रस जीभ को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार आपकी चेतना के अंश से चैतन्य जीव आपको नहीं समझ पाता, ऐसे आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तो इसमें भाव यह है कि पहला जो है ईश्वर का निवास इस शरीर में हमेशा रहता है, दूसरा वह सबका शासक है फिर भी सहायता के लिए मित्र भाव से रहता है, बल्ब के प्रकाश से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु बिजली उससे देखी नहीं जा सकती, बल्ब का प्रकाशित होना ही बिजली का प्रमाण है। उसी प्रकार ईश्वर दिखता नहीं पर जीव में चेतना होना ही उसका प्रमाण है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह जीव चेतना भी ईश्वर का अंश है, लेकिन तो फिरत सदा माया कर प्रेरा ओ काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से यह जीव घिरा हुआ और बारंबार जन्म लेता है, मरता है, बार बार वादा करता है कि प्रभु मुझे मनुष्य योनि देना, मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपना उद्धार पाऊंगा, लेकिन फिर भी वादा भूलता है और माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो हे प्रभु आप सभी को भक्ति मिले, ये कथा का उद्देश्य ही यही होता है कि सबको भक्ति मिले, सबको ज्ञान हो, सबको वैराग्य आए, सब अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आप सभी का जीवन सफल हो, हम सभी का जीवन सफल हो। हमारी संस्कृति ही कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नोति। अब समय नहीं रुकता, सीमित समय मिला हुआ है, स्वामी जी के क्षमा चाहूंगा। आपने शेखावत जी से बहुत, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आप सभी ने जो मुझे ये मौका दिया, मैं भी आपकी तरह एक साधारण जीव हूं, भटका हुआ हूं और भावना करता हूं कि भगवान मुझे भी ज्ञान दें, शक्ति दें, भक्ति दें। इसी भाव के साथ ओम शांति शांति शांति। Thank you.
हेलो श्री राधे बेस। हमारे आपके मध्य हमारे आपके बीच कुछ लोग कहते हैं कि कथा का श्रवण करना या कथा का भागी होना आयोजक या समाजों या अपनी इच्छा पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके अंश उस कथा के लिए तय किए गए हैं, जो समय है, जो प्रारब्ध है, जो आपका भोग है, जो आपका भाग्य है, वो अमेरिका से भी यहाँ ले आएगा, और जिसका नहीं वो यहीं सो जाएंगे। तो यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है कि हमारे मिश्रा जी का आंशिक भाव प्रबल है और प्रारब्ध में निर्धारित था कि इतने समय यहाँ पर विराजित होना है, है ना? तो वाणी ब्रह्म की अगर हम परिभाषा करते हैं तो शब्द भी ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, कथा और संसारी की व्यथा ये दोनों का अंत नहीं है। सांसारिक व्यथाओं का कहीं अंत है क्या? ऐसे लगता है उनको कि जैसे बढ़ाते हैं, स्वामी जी आपको प्यारा पता, आपको समझ में आता है पत्नी विमुख हो गई है, बेटा विमुख हो गया है, अर्जन उपार्जन नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा दुख है। बढ़ाते जाओ उसको, जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ तो बढ़ता जाएगा, और अगर एक पल के लिए उस पर समर्पित हो जाओ तो आनंद। अच्छा, मूर्खता भरी बात तब होती है जब ज्ञान सबको है और अज्ञानी बनते। एक अज्ञान व्यक्ति अगर चर्चा करता है तो उसको क्षमा याचना की जाती है, पापा हम पाप करता हम पाप आत्मा पाप संभवा, लेकिन ज्ञानवान होकर अज्ञानता की जब बात करते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है ना। हर जीवात्मा को इतना तो ज्ञान श्मशान में जाते हो जाता है कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार और फुली फुली को ले गयो कल को वार हमार। हर आदमी को ज्ञान है, लेकिन जैसे पीठ मोड़ा राम नाम जपना पराया माल लपना, अज्ञानता में, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध है, संचित वर्तमान और प्रारब्ध। कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अगर व्याकरण की चर्चा करें तो आप लोग गुजरात से है, व्याकरण की खबर कमी हुए है, सरल भाषा में करवू पड़े। हमने व्याकरण की दृष्टि में संस्कृत और हिंदी नहीं बातें हम समझ ना आवे। बीस परसेंट लोग छे એના સંસ્કૃત અને દેવ સંસ્કૃત ભાષા આવે, અને આપણો જે છે ને એ લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ વધારામાં વધારે આવે, કારણ વ્યાકરણ એ શબ્દોને શું તે ભાવાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ, આપણ જ્યાં ભાવમાં શબ્દોને પ્રસ્તુતિકરણ કરીએ ને ઓલા ભાઈ બીજા સમજી લે, માને બોલા બહાર મત જાના ચોટ લગ જાયગી, બેટા બોલતા હૈ મુજે બુલાઈ નહીં ચાહતી તું ઇસલિયે ગલત બોલતી હૈ તું તો મેરા ભલા દેખ નહીં સકતી। श्रीमद् भागवत कथा का भाव, कल समय को देखते हुए हम भगवान कृष्ण के जन्म लीला तक पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पर मिश्र जी दो दो सेवाएं चलती हैं, सवेरे 9 बजे से लेकर के चिकित्सा शिविर, और आज तो थोड़ा नागा सन्यासी का दिमाग भी खराब हो गया। महत्वता ये है कि सिस्टम है, एक पेशेंट को आप ही भेजिए, एक साथ 10 को आपने खड़ा कर दिया। अब मैं किसी को स्पॉन्डिलाइसिस की दवा दे रहा हूं, दूसरा बोल रहा है बीपी भी है, अब मैं उसको बीपी की लिख दूं तो क्या होगा? और जब मैं स्थापित कर रहा हूं, मेरा जो क्रोध था, एक बात याद रख लेना, मैं जो भी बातें करता हूं खुले किताबें करता हूं, है ना? मेरी पारदर्शिता बड़ी पारदर्शी है, क्योंकि मैं आडंबरी नहीं हूं और ना किसी के सहारे जीता हूँ। भगवा पहना उसी दिन कहता है, ठाकुर देगा तो खाऊंगा नहीं, भूखा सो जाऊंगा, तेरा होके निकला हूँ शमशान में चला जाऊंगा, लेकिन तुझे छोड़ के कहीं और सर नहीं झुकाऊंगा। एक बार हमने कह दिया कि भैया 50 पेशेंट हो गए, रजिस्ट्रेशन ब्रेक कर दो।
इसके बाद 100 और कर दिए, उसके बाद भी कह रहा हूं ब्रेक कर दो। अब मैं क्या करूं, तो समय तो रहेगा नहीं पंडित जी, तो आधो राम तपो बना दिगम हत्वामृत कांचनम में आना ही पड़ेगा। तो एडिक्रेट्स मैनरशिप इज मोस्ट और सक्सेसफुली लाइफ सोशल एक्टिविटीज पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस वर्किंग पीरियड। एक मैनर है किसी चीज के लिए, है ना। फैमिली में ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए, पनिश होना चाहिए। एक आदमी ने गलती कर दी तो अब हम बार बार उसे रिमाइंड नहीं करें, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तो और निगेटिव हो जाएगा। तो कथा का श्रवण अगर आपको करना है, मेरा ये मानना है, मैं अब तक बहुत कुछ कथाएं कर चुका हूँ, संपर्क में पहली बार आए हैं मेहसाना वाले, और आगे जहाँ एक बार जैसे गाय का गोबर गिरता है ना तो मिट्टी लेके उठता है, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि एक ब्राह्मणी का रक्त बड़ा विचित्र होता है महाराज, जब दिमाग लगाए तो चाणक्य बनता है, और गरीब बने तो सुदामा बनता है, और जब क्रोध आए तो परशुराम बनता है। बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणी का रक्त है ना, और वो भी जन्म कहीं और, पालन कहीं और, पोषण कहीं और, तो 122 देशों का पानी है इसके अंदर। इसलिए बहुत कुछ भान है। हमारे कोई भी कार्य को जब हम करते हैं ना, अगर हमने आपका आपको पता है सीखा सब हमने कथा करी है ना, तो यहाँ से पहले मिट्टी महाराष्ट्र आई है, पूछ लेना राजेश जी को, कहीं भी नहीं बैठते क्या, वो जगह हमारे बैठने लायक है क्या। पहले आज से मिट्टी आई है तब फाइनल किया है कि कल से टेंट लगवाना, क्योंकि मिश्रा जी आपको बताएंगे कि 6 इंच जमीन आदमी को राजा बना देता है और 6 इंच भिखारी बना देता है, और यही ऐसी कृति थी कि कर्ण को श्मशान में लगाने के लिए 6 इंच कंवारी जमीन मांगी गई थी, और अंत तो गत्वा भगवान को यूं कर देना पड़ा था, एक सुई के नख इतनी जगह पड़ी थी। तो ईश्वरी इच्छा से यहाँ पे तो अभी 80 साल और रहना है पृथ्वीलोक पे, कितना 42 हो गया है, और 80 साल और रहना है भी, और एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी की प्रक्रिया पहले से लिखी हुई है। इसीलिए मैं कभी हताश नहीं होता, इसीलिए मैं कभी उदास नहीं, क्योंकि पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड आल्सो एंड प्री प्लानर इज गॉड। हमारे जीवन को निर्धारित करने वाला परमात्मा है, तो हम चिंता क्यों करें। सारांशता हमारे मिश्रा जी की बातों को पुष्टि करते हुए चलेंगे। मिश्रा जी ने यह कहा है कि जो दृष्टा है वो दृष्टि में नहीं आता, और सदैव आपके साथ कैसे रहता है, जैसे आपके दाहिने आंख ने बाईं आंख को कभी देखा है क्या, देखा, या बाईं आंख ने दाहिनी को देखा, देखा, लेकिन साथ में सोती है, साथ में रोती है, खुशी हो या गम सबका आनंद साथ में करती है। जिस तरीके से एक नेत्र दूसरे को नहीं देख सकता, ऐसे जो दृष्टा आपकी दृष्टि में भले ही नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ हर छिन हर घड़ी हर पल में होता है, समर्पण करके देखने की आवश्यकता है अंतः चक्षु से। वाह दृष्टि से परमात्मा नहीं दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने गुरु बना लिया, लो मैंने माँ बना लिया। गुरु और माँ परमात्मा ये बनाने की चीजें नहीं है भाई, ये तो मानने की चीजें हैं, और जानने की इच्छा अगर है तो आप संसार को जानो, परमात्मा और गुरु तो सिर्फ मानने की चीजें हैं, इन्हें मानने में भलाई होती है। भगवान कृष्ण के जन्म लीलाओं पे चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके का समय अभाव है, तारतम्यता और तन्मयता, उस तरीके से कथा में संपूर्ण कथाएं तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी व्यवस्था क्या रहती है मिसिर जी,
अभी आपको बताए 272 पेशेंट दिखवाए इस वजह से अभी तक इधर भी, और शाम को भी कथा होने लगे तो दिखाने लगते, टाइम ज्यादा हो गया। समय बाकी ठीक है, भागवत कथा का एक सूक्ति याद कर लेना कि मोसो भली श्याम की वंशी जो अधरों पे विराजे, होठ नहीं है। रचयिता और आजकल के कवियों ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया सारा, तो उनको शब्द श्रृंखलाओं का ज्ञान नहीं है, शब्द कोश का भान नहीं है, तीतांत सीता था आम आमा हो पढ़ाई नहीं है, दंतव्य शब्द का ज्ञान नहीं, कंठव्य का ज्ञान नहीं, ओष्टक का ज्ञान नहीं, तालव्य का ज्ञान नहीं, और बैठ गए दुकान सजा के 2 लाख होगी तो कथा करेंगे, तो ऐसे दुकानदार सुनेंगे। और जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया है, अब इसका भाव दिखा दें आपको, आपके हिसाब से समझाता हूँ। ये गीत था कोई बहुत बड़ी फिल्म का, है ना, उस समय हमारी भी भक्ति की शक्ति फिल्म बन रही थी, तो तिवारी जी उस राइटर ने गाने में क्या लिखा है, तेरी चाल है हिरनी जैसी, हाँ। और लिखा है एक स्त्री के लिए, उसके श्रृंगार का वर्णन किया है ना, स्त्री ऐसी चल, हिरन कैसे चलता है और स्त्री ऐसी चलती है क्या, घर में बोलो तो खाना नहीं मिलेगा, मतलब साहित्य का कैसा अपमान हो रहा है, तेरी चाल है हिरनी जैसी बोलो, स्त्री के श्रृंगार के लिए लिख रहा है, नारी हिरण जैसी चलती है कूद कूद के, अरे उसे गजगामिनी कहो, जीवन संगिनी कहो, धर्मांगिनी कहो, मात्र शक्ति कहो, उपमाएं बड़ी अच्छी, ऐसे ही कुछ रचयिताओं ने ऐसे लिखा था, तो ये नीचे वाला ये है नहीं, अधर है और ये लज्जा है। गोपियों ने कहा मोसो भली श्याम की वंशी जो अधरों पे विराजे। अब यहां गोपियों से भला, गोपियों से सुंदर, गोपियों से अच्छा भला श्याम की बंसी, उसकी तो जाति बांस की है, निर्जीव माना गया है, तो यहां बंसरी यानी बांस की जाति की प्रशंसा नहीं हुई है, यहां बंसरी के गुण की प्रशंसा हुई है। बंसरी के 3 गुण हैं। पहला गुण, बिना बुलाए बोलती नहीं, बंसरी बिना बुलाए बोलती, यानी हमें यह सीख लेना चाहिए कि अनावश्यक चर्चा विवाद का कारण है, वो हमें नहीं करना चाहिए। बंसरी का दूसरा गुण, वो अंदर से खोखली है, निष्कपट है, निश्चल है, उसमें कोई गांठ नहीं है, यानी अगर हम हरि भक्ति करें, कथा का श्रवण करें तो खाली मंडप में हरि भक्त ना रहें, ज्ञान आचरण उतारें तो सार्थक होगा, निष्कपट रहें, निश्चल रहें, सम समान समन्विते भाव को देखें, ऐसा नहीं कि मेरा संबंधी है तो तू आ जा और जो गरीब आए उसको 2 घंटे बाद, इसी असत्य का परिणाम है दुर्दैव दुख। निश्चल निष्कपट होकर के जीना, दूसरा गुण बंसी का। तीसरा गुण, बंसी के सीने पे जख्म है, कितने सुराख है, लेकिन जब भी बोलती है मधुर बोलती है, अगर यही 3 गुण में आ जाए तो कथा श्रवण का लाभ हो गया। और अगर इतना भी नहीं आए तो फिर क्या करेंगे, 9 विधा भक्ति को आप सुनेंगे तो पाद्य सेवा, कलिकाल में संकीर्तन का ज्यादा महत्व दिया है,